डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ ओ डी डी सो वेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ ओ डी डी तो बेसिकली इसका मतलब क्या है इट इज़ द सेम लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल एंड इन फॉर्मल असेसमेंट ठीक है यानि आ, जब मैं बात कह रही हूँ कि डायरेक्ट असेसमेंट मैं करने लगी हूँ एक बच्चे की तो इसका मतलब ये है कि आई एम गोइंग टू यूज़ द स्टैंडर्डाइज टेस्ट ठीक है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और दोस्त टेस्ट जिसके अंदर नॉर्म्स जो हैं वो डेवलप हुए होते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम वो टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं और हम स्कोरिंग करते हैं ठीक है और जो स्कोरिंग है वो नॉर्म उसके डेवलप हुए होते हैं यानी किस एज के अंदर बच्चा कितना स्कोर करेगा तो हम ये कहेंगे कि इसका बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है या वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो दैट इज़ द फॉर्मल और द डायरेक्ट असेसमेंट जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट की uh, या इनडायरेक्ट असेसमेंट की तो उसमें हम बात कर रहे होते हैं बिहेवियरल चेकलिस्ट की उसके में हम बात कर रहे होते हैं बेसलाइन चार्ट्स की उसमें हम बात कर रहे होते हैं इंटरव्यूज़ की ठीक है तो फर्स्ट वी विल गोना टॉक अबाउट द डायरेक्ट असेसमेंट उसके अंदर uh, बहुत सारे असेसमेंट टूल्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ओ जिसमें से सिर्फ दो जो है मैं एज एन एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ नंबर वन इज़ चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट जब हम चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट की बात करते हैं तो उसका जो पैटर्न है वो कुछ इस किस्म का होगा इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट एजेस सिक्स टू एटीन ईयर्स के लिए जो है ये डिवाइस की गई है अब इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे का नाम बच्चे का जेंडर बच्चे की एज ठीक है और फिर वो अगर आप किसी ऐसे कल्चर में रह रहे हैं जैसे यूके में रह रहे हैं तो वहाँ पाकिस्तानी भी होते हैं अफारक भी होते हैं ब्रिटिश भी होते हैं तो जो एथनिक ग्रुप या आपका जो रेस है सर्टन टाइम वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी वजह से इट माइट पॉसिबल के प्रॉब्लम जो है वो एग्जिबिट हो रही हो तो आपने उसको भी जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है इसी तरह जो टेस्ट की डेट है जो बच्चे का ग्रेड है वो सारी आपने इंफॉर्मेशन इसके ऊपर रिपोर्ट करनी है इसी तरह जो बाकी सारे आइटम्स हैं जिस तरह आपका बच्चा जो है उसको कौन सी स्पोर्ट पसंद है ठीक है और उसकी फेवरेट हॉबीज क्या हैं और वो फिर कितनी देर ये खेलता है ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये आपने पेरेंट्स से जो है वो लेनी होती है इसी तरह जब आप फर्दर उस चेकलिस्ट को देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर आप देखें कि ऊपर डायरेक्शन दी होती है ठीक है इन डायरेक्शंस को पढ़ते हैं जो पेरेंट्स होते हैं और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो रेटिंग स्केल दिए गए हैं जिसमें नॉट ट्रू एज फार एज यू नो नंबर वन समट और समटाइम्स ट्रू एंड देन टू वेरी ट्रू और ऑफ्टन ट्रू ठीक है तो ज़ीरो वन टू के ऊपर जो है वो रेटिंग करनी है आपने किसी भी आइटम की यहाँ पे जीरो जो है वो अमेट हुआ हुआ है तो आपने ये देखना है एक्ट्स टू यंग फॉर हिज और हर ऐज ठीक है तो यानी जो वो एक्ट्स कर रहा है क्या वो उसके एज अप्रोप्रिएट हैं या उसकी एज से कम है तो आपने उसके मुताबिक अगर वन है टू है या थ्री है जहाँ पर पेरेंट्स समझेगा कि अप्रोप्रिएट रेटिंग है वो रेटिंग उसने करते जाना है उसने सारे आइटम्स को पढ़ना है पेरेंट्स ने और उनके ऊपर उसने रिपोर्ट करनी है जिस तरह वॉमिटिंग एंड थ्रोइंग अप का उसको प्रॉब्लम है फीलिंग टू गिल्टी का प्रॉब्लम है नहीं है तो ये यहाँ पर जो है वो इस तरह उसको सारे जो है वो मार्क करेगा ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे का जो है वो बिहेवियर कौन सा एग्जिबिट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा बाय द एंड जो भी स्कोरिंग उसकी आएगी उसको हम टोटल करेंगे और उसके साथ जो भी नॉर्म्स जो डेवलप हुए हुए हैं उसके ऊपर हम जाकर चेक करेंगे कि आइदर उसका बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है इसी तरह हम अगर देखें तो दूसरा जो है आर टेस्ट वो कॉर्नर्स थ्री की बात मैं करूँगी उसकी बात मैं क्यों करूँगी उसकी बात मैं इसलिए करूँगी क्योंकि सर्टन टाइम जो बच्चे होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है जिस तरह ओ का बिहेवियर है तो उसके साथ कोमोबिडिटी जो है वो डेवलप हो सकती है किस चीज़ की अटेंशन डेफिसिट की ठीक है तो ए डी एच डी जब उसके अंदर एक चीज़ जो है वो डेवलप हो सकती है तो मुझे ये भी रूल आउट करना है कि क्या कोमोबिट कंडीशन उसके अंदर एग्जिस्ट है या नहीं करें तो उसके लिए मैं कॉर्नर्स का जो थर्ड uh, एडिशन है उसका वो यूज़ करूँगी और कॉर्नर का जो है उसमें दो तरह के फॉर्म्स होते हैं एक पेरेंट फॉर्म होता है और एक टीचर फॉर्म होता है एक फॉर्म आपने पेरेंट्स को देना होता है कि वो उसको फिल करें और एक फॉर्म आपने उसके स्कूल भिजवाना होता है कि टीचर्स जो हैं उसको फिल करें इससे क्या होगा कि हमें ये आइडिया हो सकेगा कि उसका जो ए का प्रॉब्लम है वो किस सेटिंग में मौजूद है आ घर में या स्कूल में या दोनों जगह पे तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आप ऐसे ही बच्चे का नाम जो टेस्ट का डेट है वो उसकी एज ईयर मंथ ग्रेड फादर्स नेम जेंडर जो है वो आप इधर सारा रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद यहाँ पर हर टेस्ट जो भी आप एडमिनिस्टर करेंगे उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं ठीक है उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे और यहाँ पर ये भी दिया होता है कि किस टाइम में लाइक इन द पास्ट मंथ और उसके अंदर जैसे इसकी रेटिंग है जीरो वन टू थ्री तो इसमें लिखा होता है नॉट ट्रू एट ऑल जस्ट अ लिटल ट्रू प्र मच ट्रू एंड वेरी मच ट्रू तो ये जो हैं इसके हिसाब से हर स्टेटमेंट जो है वो पढ़नी होती है पेरेंट्स ने और उसके ऊपर उन्होंने उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करना होता है ठीक है और फिर जो स्कोरिंग है या जो वैल्यूज़ हैं वो इधर थेरेपिस्ट जो है वो इस वाले पोर्शन के अंदर बाद में जब आपके पास ये स्केल आ जाता है तो ये एरिया आपके करने का होता है जिसमें आपने स्कोरिंग को जो है वो फिल करना होता है बिल्कुल इसी तरह यही फॉर्म टीचर्स को भी भेजा जाएगा और टीचर्स भी बिल्कुल उसी तरह फिल करेंगे इस सारे एरिया को और इस सारे के ऊपर भी वो उसी तरह रिस्पोंड करेंगे जिस तरह के पेरेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया था और चूँकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि जो थेरेपिस्ट है वो साथ हो इसलिए सिर्फ इसको आप एक पैकेट के अंदर डाल के टीचर के लिए भेज देते हैं और टीचर फिल करके ये वापस दे देते हैं फिर इसी तरह आपने स्कोरिंग करनी होती है यानी जितने भी मार्क्स होते हैं उनके इधर से टोटल करने के बाद उसकी स्कोरिंग कर ली जाती है उनको ऐड किया जाता है और उसके बाद उनके नॉर्म्स देखे जाते हैं और नॉर्म्स के रेफरेंस में ये देख लिया जाता है कि बच्चे का बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है तो ये तो हो गया डायरेक्ट असेसमेंट का मेथड या फॉर्मल असेसमेंट का मेथड फिर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट असेसमेंट की इनडायरेक्ट असेसमेंट क्या है जिसके अंदर हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज टूल नहीं होता लेकिन एक इनफॉर्मल असेसमेंट का वे होता है कि जब एक पेरेंट आपके पास आया है तो आपने उसके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है अब जब पेरेंट आपके पास आया है तो आपको नहीं पता कि बच्चे को फ़िलहाल प्रॉब्लम क्या है तो आप जब इंटरव्यू करते हो तो उसके अंदर पेरेंट जब आपको प्रेजेंटिंग कम्प्लेंट्स बताते हैं तो उन प्रेजेंटिंग कम्प्लेंट्स के रेफ़रेंस में आपने उस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करना होता है बताना होता है अब वो एक्सप्लेन कैसे करना होता है या उनसे कैसे करवाना होता है वो आपने ऐसे करवाना होता है कि यू विल आस्क फ्रॉम देम कि बच्चा जो है वो किन किन टाइम्स पे आर्गूमेंट्स करता है अच्छा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मिसाल के तौर पर आप ये उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा अगर आप इसे ये कहें कि आप साथ वाले कमरे से रिमोट कंट्रोल उठा के लाएँ तो ये आगे से कैसे रिएक्ट करता है अगर आप इसे मोबाइल फ़ोन ले, ले लें थोड़ी देर के लिए तो ये कैसे रिएक्ट करता है तो इस तरीके से जो उसके टम्परामेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं या जो डिसोबीडियन के प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं इसी तरह आप उससे इस किस्म के सवाल पूछ सकते हैं कि जिस तरह स्कूल के अंदर आपको इस बच्चे की कोई कंप्लेन आती है इसके टीचर्स क्या कहते हैं इसके बारे में इसका बिहेवियर वहाँ पर कैसा है ये अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है फिर इसी तरह आप उसकी फैमिली के इन्वामेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये पूछ सकते हैं कि आप लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं ये बच्चा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है तो डिफरेंट जितनी भी डोमेन्स आपको लगती हैं कि वो एक्सप्लेन कर सकती हैं उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को वो आप इंटरव्यू के थ्रू जो है वो पेरेंट्स से पूछते हैं और वो आपको फिर उसको वेल well एक्सप्लेन करते हैं और वो आपको हेल्प करता है इस चीज़ के बारे में कि आपने फर्दर कौन सी असेसमेंट करनी है इन फॉर्मल असमेंट में जब पेरेंट्स आपको डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स बताते हैं बच्चा इस तरह करता है जैसे वो टेंपर टेंट्रम शो करता है अगर मैं उसे मोबाइल ले लूँ तो वो मोबाइल को फेंक देता है और वो चीखना शुरू कर देता है और फिर उसके रिज़ल्ट के अंदर मैं उसे मोबाइल वापस दे देती हूँ तो दिस इज़ द बिहेवियर जो कि आपको बता रहा है कि बच्चा टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा है अब ये टेम्पर टेंट्रम कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है वी नीड टू बी मैयर दैट थिंग टू तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसके लिए हम लोग बेस लाइन चार्ट यूज़ करते हैं और बेस लाइन चार्ट जो है वो हम किस तरीके से बनाते हैं जो कि इन फॉर्मल असेसमेंट या इनडायरेक्ट असेसमेंट का पार्ट होता है उसके अंदर आप पेरेंट्स को कहते हैं कि आपने सबसे पहले डेट एंड टाइम जो है उसको रिकॉर्ड करना है मिसाल के तौर पे 18 तारीख है दिसंबर की शाम के साढ़े चार हुए अब हुआ क्या उस दिन कि जो एसन था उसकी अपने बड़े भाई के साथ क्या हुआ आर्गूमेंट हुआ ठीक है और किस वक़्त आर्गूमेंट हुआ जिस वक़्त वो क्रिकेट खेल रहे थे उसकी वजह से एसन ने क्या किया उसने बॉल जो है वो बुशेस में फेंक दी ठीक है एग्रेसिवली उसने हिट किया और बॉल को बुशेस में फेंक दिया ठीक है और उसके पीछे उसकी थॉट क्या थी कि आई विल सी हाउ दे विल प्ले इफ़ दे डिक्लेयर मी आउट ठीक है तो इस थॉट की वजह से उसने ये एग्रेस बिहेवियर शो किया और उसकी इंटेंसिटी कितनी थी नाइन्टी के ऊपर और ये हुआ कितनी दफ़ा चार दफ़ा अब चार दफ़ा होने का मतलब क्या है कि जितनी दफ़ा उसकी बारी आई और जितनी दफ़ा उसने आउट हुआ उतनी दफ़ा उसने ये हरकत की ठीक है तो इस किस्म का जो बिहेवियर है वो हम जिस वक्त रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किन सिचुएशन में बच्चा किस किस्म का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है और उसके थॉट प्रोसेसिंग क्या चल रहे हैं इनको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं एक तरीका ये है कि आप सिर्फ़ इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि एंटीसीडेंट बिहेवियर क्या हुआ और बच्चे का बिहेवियर क्या एग्ज़िबिट हुआ उसकी इंटेंसिटी क्या थी और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी वन वे इज़ दैट द अदर वे इज़ कि आप बच्चा uh, डोलसन सेज में है या दस बारह साल का है और वो अपने थाट्स जो हैं वो रिपोर्ट कर सकता है तो अगर तो थाट रिपोर्ट कर सकता है तो आप एक कॉलम थाट का भी बीच में डाल देंगे जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली बच्चा उस वक़्त सोच क्या रहा था इससे आपको ये बात भी समझने में हेल्प मिलेगी कि आइधर आप बच्चे के साथ सी को जो है वो एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं या विल बी कंटेन ओनली टू वर्थ द बिहेवियर थे ठीक है तो इस किस्म की जो बेसलाइन चार्ट हैं वो आप बच्चे को भी दे सकते हैं यानी आप चाइल्ड को भी दे सकते हैं कि वो उसको खुद फिल करे आप पेरेंट्स को भी दे सकते हैं कि वो उनको फिल करे या आप टीचर्स को भी भेज सकते हैं अगर बच्चे का प्रॉब्लम जो है वूल के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिबिट हो रहा है तो आप टीचर को भी दे सकते हैं कि वो इस चीट को फिल करे और फिर जब नेक्स्ट सेशन में वो आपके पास आएँगे तो दैन जूगल हैव द Elaborative picture of the disrupting behavior of the child.